नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिसोल्यूशन का। शब्द नया नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत बार देखा हुआ है हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। इस चैप्टर में थोड़ी सी इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। पिछले चैप्टर्स में हम क्या करते थे, जितना भी WCR की वैल्यू होती थी, अगर कोई क्लेम है तो वो रख के बाकी सारा बांट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रीटमेंट अलग है, वहां पे ना जितना भी क्लेम होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले पिछला रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर मेरे पास WCR है 10,000 रुपये और क्लेम है 8,000, WCR है 10,000 रुपये, क्लेम मेरे पास है 8,000, तो हम क्या करते थे, 8,000 रुपये क्लेम दे के बाकी जो 2,000 बच गया पार्टनर्स में बांट देते थे। तो उसकी जर्नल एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में कर देते थे, जर्नल इज ऑफ WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर हम बाकी जो क्लेम है ना, बाकी क्लेम को क्या करते थे, वो आप बच्चों को जर्नली याद नहीं रहता कि इस 8,000 का क्या करना है, 2,000 तो बांट दिया, लेकिन अकाउंट्स में 8,000 का क्या करते थे, लाइबिलिटी वाली साइड पे दिखाते थे WC क्लेम 8,000 रुपये। लेकिन जो पिछले चैप्टर थे वहां पे तो बैलेंस शीट बन रही होती थी, क्यों, क्योंकि बिजनेस कॉन्टिन्यू होता है। सोच के देखो डिसोल्यूशन चैप्टर में तो बिजनेस कॉन्टिन्यू ही नहीं है, दुकान ही बंद रह गई तो बैलेंस शीट तो बननी नहीं, तो ये तो हो गया खाली। तो डिसोल्यूशन का इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां पे WCR का जो क्लेम है साथ के साथ पेमेंट कर देनी है उसकी, जो क्लेम मांगने वाले आए ना मेरे पास एम्प्लॉइज वर्कमैन वर्कर्स, उनको साथ साथ पेमेंट कर देनी है। तो WCR की पेमेंट कितनी कर देनी है, 8,000, बाकी 2,000 रुपये को बांटेंगे। लेकिन फिर भी इसमें ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से भी है। सबसे पहले WCR बैलेंस शीट में आपको ऐसे दिया होता है, बैलेंस शीट में यहां पे आपको दिया होगा WCR समझ लो 10,000, एडजस्टमेंट के अंदर आपको दिया होगा क्लेम कितना है। तो इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं ना, अगर नीचे रियलाइजेशन बन रहा होता है तो इसको ऐसे हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो WCR का अगर क्वेश्चन में क्लेम दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, अगर WCR का क्लेम दिया हुआ होगा तो सबसे पहले उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है, फिर वहीं से पूरी की पूरी पेमेंट कर देनी है, फिर बांटना नहीं है। इसके लिए ना आप लोगों को ना आधा पेज WCR का टॉपिक लिखो पहले, तो इसके ना अच्छा सा डायग्राम बनवाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया सा, ताकि आप लोगों को कल को जब रिवाइज करना है तो WCR के सिर्फ क्वेश्चंस ना देखने पड़े। तो WCR के लिए ना आप आधा पौना पेज छोड़ देना, कुछ बढ़िया से नोटिंग लिखवा दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है रेडी। क्या नोटिंग है, अगर तो क्लेम जीरो है या क्लेम कुछ है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने WCR के लिए आधा या पौना पेज छोड़ के क्वेश्चन फिर स्टार्ट करना, क्वेश्चन में सारा कुछ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ए, नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना, चाहे यहाँ नोट्स वाली कॉपी तो आजकल कौन सा देखते हो, जहां आपका मन करे, बस मैंने आपको ये बोला हाफ पेज या एक पेज आप छोड़ देना, WCR के कोई अच्छे से पॉइंट्स लिखवा दूंगा। पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं डायरेक्ट, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, WCR का क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, बाकी किसी चैप्टर में भी हमने WCR को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी क्योंकि तीनों चारों चैप्टर में सेम था, यहां पे थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट है। हाँ जी हाँ जी, आपने बुक खोली होती तो आपको पता चल जाता, टॉपिक 3 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल एंट्रीज करनी है WCR की। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 में है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR है क्वेश्चन में 90,000, 90 के बाद फुल स्टॉप लगा होगा, उसको कोमा बना लेना इनकेस अगर आपकी बुक में भी फुल स्टॉप है तो। 90,000 पे WCR है बैलेंस शीट में, ये देखो ये बैलेंस शीट गिवन होती है क्वेश्चन में ऐसे, तो बैलेंस शीट में WCR हमेशा लाइबिलिटी वाली साइड पे आता है, तो उन्होंने बोला ये 90,000 रुपीज है। अब हम देखते हैं क्लेम मांगने वाले कितने आते हैं, कह रहे हैं नो लाइबिलिटी टूवर्ड्स WC क्लेम। अब पहला टॉपिक सुन लो जी, फर्स्ट एंट्री, जब भी क्लेम मांगने वाले नहीं आएंगे फिर आपका पिछले चैप्टर जैसा ही है, WCR कितना पड़ा है 90,000, क्लेम लेने वाले कोई नहीं आ रहे, बांट दो जैसे पहले चैप्टर्स में करते थे वैसे ही, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो WCR है 90,000, इनकी ओल्ड रेशियो है 2:1, तो बट जाएगा 60,000 और 30,000,
इसकी नरेशन आएगी बीइंग डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके साइड पे एक और चीज मैं क्या लिख के चलूंगा, अगर आपके पास जगह है या कहीं पे ना, हम लिखेंगे सेम। सेम का मतलब है इस वाले पॉइंट को आपको याद ही नहीं करना, सेम का मतलब है जैसे पूरे चैप्टर्स में आ रहा था ना, पिछले सारे चैप्टर्स में सेम है। जब जब चेंज होगा वहां पे मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, तो वहां से याद रह जाएगा वो चेंज है। वहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है पॉइंट नंबर टू पे। डब्ल्यू सी आर क्वेश्चन में है 1 लाख रुपए का, और क्लेम मांगने वाले देखना कितने आ गए, 88,000। तो इसमें मेरे को 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो डब्ल्यू सी आर पड़ा है, देखो यहाँ पे अब चेंज कर रहा हूं मैं, कितना है क्वेश्चन में डब्ल्यू सी आर, 1 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे साइड पे मैंने क्लेम लिख दिया 88,000 पे, ये आपको नहीं बनाना, समझाने के लिए है। बात समझ में आती है, डब्ल्यू सी आर है 1 लाख रुपए, क्लेम मांगने वाले आ गए कितने, 88,000। ये आपको पता चल जाएगा पार्टनर्स को कितना बांटना है, 12,000, 1 लाख में से 88 का क्या दे देना है, क्लेम दे देना है, बाकी 12,000 पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया था, पिछले फर्स्ट एंट्री में। अब सबसे पहले अगर तो डब्ल्यू सी आर है और क्लेम भी है, पार्ट वन में डब्ल्यू सी आर था लेकिन क्लेम नहीं था, हमने सारा का सारा पार्टनर्स में बांटा था, इसमें क्या चेंज है, डब्ल्यू सी आर भी है क्लेम भी है। तो सबसे पहले इस वाले क्लेम को क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है डब्ल्यू सी आर को। तो सबसे पहले डब्ल्यू सी आर की एंट्री बनेगी जिसको रियलाइजेशन में आपको पुट ऑन करना है, रियलाइजेशन के दूसरी वाली साइड। तो डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितना क्लेम है सिर्फ वही वाली अमाउंट डाल दो। नरेशन लिखो बीइंग डब्ल्यू सी आर ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट, अब मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखता हूं, बना के दिखाता हूं सामने, देखो समझ लो ये रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है। तो अब ये ना यहां पे आ चुका है बाय डब्ल्यू सी आर, ये रियलाइजेशन में इधर आ चुका है। जब भी रियलाइजेशन में क्लेम है आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। सर एक बार फिर से बताना, डब्ल्यू सी आर का क्लेम का मतलब है इंप्लॉइज या डॉक्टर या वर्कर्स आपसे पैसे मांगने आ गए, डिसोल्यूशन हो रहा है तो उनको उनको पैसे दो। तो पहले तो मैंने ये डब्ल्यू सी आर को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में 3 दिन पुराना रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को बैलेंस शीट से खाली करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये अभी मैंने ट्रांसफर किया है। अब ट्रांसफर करने से यार आप खुद सोचो, आपके पास ना सामने एक बंदा आया आपके घर पे, इमेजिन करो आपका ही केस है, सामने वाला बंदा आया, ऐसा मान लो बिजली का बिल वाला लेने आया है, या राशन वाला बंदा पैसे लेने आया या दूध वाला लेने आया, उसने कहा जी 88,000 का बिल हो गया, आपने कहा डायरी में लिख लिया, इससे क्या आपका या उसका दूध वाले का काम बन जाएगा? भाई डायरी में लिखने का क्या होता है, वो कहता मैंने अपनी डायरी में लिखा था, आप लोगों ने बोला हमने भी लिख दिया हिसाब बराबर, वो कहता भाई हिसाब बराबर नहीं, अभी तो हमने लिखा है, ट्रांसफर करने को बोलते हैं लिखना, पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना दूध वाले की, तभी तो वो जाएगा और अगले महीने दोबारा आपको दूध देगा या जो भी बिल है। तो अब आपको पेमेंट करनी है इस 88,000 की। सर 1 लाख की नहीं करनी, नहीं, आपने 1 लाख रुपया, देखो पापा मम्मी को 1 लाख रुपया दे के गए थे घर पे, दूध वाला आएगा उसको पैसे दे देना, दूध वाले का हिसाब बना 88,000 का, ठीक है, आप दोनों ने लिख लिया 88,88, अब पेमेंट भी तो करोगे, पेमेंट कितनी करोगे, जितना उसका बिल था, तो बिल कितने का आया 88,000 का, तो 88,000 की पेमेंट करने की एंट्री बोलो क्या बनेगी, 2 तो बैंक बन जाएगा, क्लेम नहीं बेटा, क्लेम लिख लिया मैंने, पैसे देने हैं, अब मैं बार बार पर्चियां थोड़ी दूंगा दूध वाले को, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर मैं 2 क्लेम लिखूंगा उसका मतलब है अभी भी मैं पर्ची बना रहा हूं, ऐसे तो फिर मैं पर्ची पर्ची से पूरी जिंदगी खेल जाऊंगा, पहले पर्ची बना दी फिर पर्ची बना दी, भाई दूध दे जाइयो, पहले पर्ची बन चुकी है 88,000 की, अब फाइनल पेमेंट करनी है, सच में गांधी जी के नोट देने हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये चेंज है इस चैप्टर में। तो यहां पे पहले एंट्री कर देते हैं, जिसको आपने रियलाइजेशन में डाल ली उसी की पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 88,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्चुअल क्लेम, बीइंग
बीइंग एक्चुअल क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज पेड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग एक्चुअल डब्ल्यूसी क्लेम इज पेड। ठीक है, 88,000 पे कर दिया। अब बताओ जब पिताजी माताजी को 1,00,000 रुपए देके गए थे, 88,000 का एक महीने का घर का खर्चा हो गया, मम्मी के पास कितने पैसे बचे? तो मम्मी के दो बेटे आए, कहते 12,000 हमारे में बांट दो। ऑब्वियस है पार्टनर्स बिजनेस अपने पास पैसे रख नहीं सकता, पार्टनर्स में बांटेंगे, तो 12,000 को बांट दो जैसे हर चैप्टर में बांटते हैं। रियलाइजेशन नहीं, क्या कहते हैं, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो अब मैं सेम सिर्फ इसको लिख रहा हूं, जो सेकंड एंट्री का फर्स्ट और सेकंड थी उसको नहीं लिख रहा, थर्ड वाले पार्ट को लिख रहा हूं सेम। तो WCR में कितना पैसा बच गया था? 12,000 रुपए। रेशियो थी 2:1, तो 8,000। लिखो बीइंग रिमेनिंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। एंट्री नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। एंट्री नंबर 3 में, एंट्री नंबर 3 कह रहे हैं WCR में है 75,000, फिर से क्लेम है। जब जब क्लेम आएगा पहले उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 75,000 को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, WCR टू रियलाइजेशन। थर्ड एंट्री है, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेवेंटी फाइव थाउजेंड का ही क्लेम आ गया, तो 75,000 रुपए रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये पर्ची बन गई, बिल बन गया। भाई साहब इतने का बिल बन रहा है, अब बिल को पे भी करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि और पैसा बचा नहीं ना पार्टनर्स के लिए, जितने का बिल था उतना ही WCR में पड़ा था। बस रहन दो, नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4, अब आप खुद देखो नंबर 4 में क्या डिफरेंस है। WCR आया 1,50,000 रुपए और क्लेम कितना आ गया? 2,00,000 रुपए। हाँ जी, नहीं इस चैप्टर में नहीं, रिवैल्यूएशन तो बनता ही नहीं है इस चैप्टर में, क्या बनता है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में इकट्ठा कर देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में WCR भी है, क्लेम भी है, पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। अब तो जिसको सीखना है कॉन्सेप्ट वो चौथे पॉइंट पे ही सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। अब मेरे को बताओ कितने पैसे ट्रांसफर करूं, 1,50,000 या 2,00,000? गलत है, मेरे पास WCR में पैसा ही 1,50,000 है। मैं WCR में जब मेरे पैसे ही 1,50,000 पड़े हैं, मैं 2,00,000 ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। पार्टनर से लेंगे इस चैप्टर में अलग से नहीं लिए जाते, बस रियलाइजेशन टू बैंक कर दो तो उससे ये मान लिया जाता है कि आपने पार्टनर से ले लिए। सिखाऊंगा कैसे, तो अब जितनी पेमेंट है बस पे कर दो, रियलाइजेशन बताऊंगा। आप अभी पे कर दो रियलाइजेशन टू बैंक। क्लेम कितने का था देखना? 2,00,000 का, तो पे कर दो 2,00,000 रुपीज। जब भी मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा ना 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, डेबिट साइड लॉस बन जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो मैं आपको एक ही बार सिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आप बोलना फर्स्ट एंट्री क्या बनाई है अभी अभी आपने, WCR टू रियलाइजेशन 1,50,000 रुपए बनाया ना। देख लो फोर्थ की फर्स्ट एंट्री WCR टू रियलाइजेशन, तो आपने ये एंट्री बनाई है बाय WCR 1,50,000। फिर अब आपने सेकंड एंट्री बनाई है रियलाइजेशन टू बैंक, तो यहां से आपने टू बैंक की पेमेंट कर दी कितने से? 2,00,000 रुपए से। देखो पैसा आया था 1,50,000, चला गया 2,00,000, तो बाकी क्या हो गया? लॉस। तो लॉस को इधर लिख देंगे बाय लॉस,
ये बनाने की नीड नहीं है, ये समझ लो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, जो भी बोर्ड पे चल रहा है 30-40 सेकंड का, अपने आप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या है। अब बाय लॉस आ गया 50,000 का, इसको बांटने से आएगा 2:1 में बांटने, तो 33,333 16,667 ऐसे। सबसे पहले मैंने क्या एंट्री किया, आप अपनी फिर से बोलो, फोर्थ की फर्स्ट WCR टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 1.5 लाख लिख दिया। फिर आपने किया रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिख दिया था, 1.5 लाख रुपया। पेमेंट करनी पड़ गई 2 लाख की, 50,000 का लॉस आ गया। ये देखो आंसर, देखो ये आ गया लॉस। सर लॉस आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है भाई, यहाँ पे पेमेंट लिखी थी ना, ये तो आंसर बच रहा है, आंसर बच रहा है 50,000 का, दोनों में बांट दिया। रीवैल्यूएशन या रियलाइजेशन के बाद कौन सा अकाउंट बनता होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये इधर चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में जब डेबिट में चला गया, तो एक बार के लिए आपने कर दिया डेबिट उसको, किसको, ए और बी को। ए के डेबिट में आएगा 33 वाला, बी के डेबिट में आएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अलग एंट्री नहीं करते, खाली रियलाइजेशन में डाल देते हैं। रियलाइजेशन का फाइनल आंसर पार्टनर्स कैपिटल में ही आना है, तो ऑटोमेटिकली वो पहुंच ही गया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, चाहे आप उसकी जनरल एंट्री करो या ना करो। सर अगर जनरल एंट्री करनी होती, वही जो आप हर चैप्टर में करते हो, ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो जब मेरे पास, जब हम यहां पे एंट्री इसलिए लग नहीं करते, एक बार फिर से वाइंड अप कर रहा हूं बस, जब मेरे पास रियलाइजेशन के क्रेडिट में है ही 1.5 लाख, तो जब मैंने उसको 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, तो उसका यही मतलब होता है मेरा 50,000 मैंने उनसे ले लिया, उनको डेबिट कर दिया। चलो एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 में आपके पास है, लास्ट है इसकी, WCR में पैसे हैं 0 और क्लेम मांगने वाले कितने आ गए। यार ये तो सिंपल लाइबिलिटी पे करनी है, हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेमेंट करनी है। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बस इसकी तो यही एंट्री थी, रियलाइजेशन टू बैंक। सर यहाँ पे आपने ट्रांसफर क्यों नहीं किया बताना, यहाँ पे हमने रियलाइजेशन है ही नहीं, जब है ही नहीं ट्रांसफर कहां से करेंगे, तो सारी की सारी पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक 5,000। बस इतना सा ही नया पॉइंट था, खत्म हो गया। आपको पता नहीं पता चला या नहीं चला, जैसे एंट्री नंबर 2 नए टाइप की थी, मतलब पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है फिर पेमेंट करनी है, बस इतना सा नया पॉइंट है इस चैप्टर में। अब अगला नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ो, 21B होमवर्क है, 5 एंट्री सेम है बिल्कुल, जितने स्पेस में 21 का ए आया उतनी स्पेस छोड़ दो 21B के लिए होमवर्क लिख के, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज चलते रहें। अगर एक पेज पे आया तो एक पेज छोड़ दो, 21, 22 कर रहे हैं। फाइनली हम उस टॉपिक पे पहुंच गए हैं जहां पे जर्नल एंट्री का हो चुका है अब दी एंड, अब अकाउंट्स बनाने की बारी आ रही है। फिर भी ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं। मार्च 2024, आज से 3 या 4 महीने पहले जो पेपर में फाइनल क्वेश्चन आया था CBSE का, उसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आया था 6 नंबर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट बनाने के लिए ही नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन मैं वैसा ही आपको तैयार करवा रहा हूं जब हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। 22 का ए, जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं। आज वाले क्वेश्चन में मैं फिर भी जर्नल एंट्रीज नहीं करवा रहा रियलाइजेशन अकाउंट में, कल एक क्वेश्चन करेंगे जहां जर्नल एंट्री भी करेंगे हम। रियलाइजेशन अकाउंट नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट मैं साइड पे जर्नल एंट्रीज बना रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को बनानी है सीखना है तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना, मुझे जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट के ब्रैकेट में मैंने ना बताई थी चीज कि हम क्या लिखा करेंगे बार बार, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये एग्जाम का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है कि रियलाइजेशन अकाउंट किस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट क्रेडिट। अब बढ़िया से एक फॉर्मेट बना लो,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इन्होंने सिर्फ वही बोला है हमें बनाने के लिए, तो एडजस्टमेंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही कवर अप होंगी ना। क्या सर रियलाइजेशन अकाउंट मुश्किल है? बड़ा आसान है, जर्नल एंट्रीज उल्टा सोचनी पड़ती हैं, ये उससे ज्यादा आसान है। ब्रैकेट में लिखेंगे नॉमिनल रूल। सबसे पहले जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पहले तो मुझे क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में देखना पड़ेगा क्या इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोले। तो क्वेश्चन कह रहे हैं सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बहुत बढ़िया है। सीबीएसई के फाइनल में भी यही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं मतलब सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आया था। अब इसका तरीका सीखो जी, पहली बार हम शुरू करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट या पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट टू डेज जब मेरा बेसिक चल रहे थे तब मैंने बताया था, बड़े क्वेश्चन या रियलाइजेशन में ना सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी होती है। आप याद करो मेरे बचपन के वो पिछले 4 महीने जब मैं हर क्वेश्चन में कहता था पहले एडजस्टमेंट खाली करनी है, सारी खत्म करनी है, फिर बैलेंस शीट खाली करनी है, याद है? अभी तक का मेरा जो भी रूल था वो ये था, सारी एडजस्टमेंट्स पहले वाइंड अप करो, खत्म करो, फिर बैलेंस शीट खाली करेंगे। इसमें कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि वहां पे बिजनेस चल रहा था, यहाँ पे बंद हो रहा है, तो कहानी उल्ट हो गई। पहले पूरी बैलेंस शीट खाली करो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट खाली होगी। तो सबसे पहले आ जाओ लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं। अब आ गया WCR। अब WCR के लिए देखो क्या एडजस्टमेंट्स में क्लेम है, अगर क्लेम हुआ तो WCR ट्रांसफर करना पड़ेगा। ढूंढो 4 एडजस्टमेंट में कहीं पे WCR का क्लेम दिखता है, नहीं दिखता, तो फिर सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना है। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना पहली एंट्री, तो यानी कि अब इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, मैं इसको कट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में ना, अमन ऊपर देखो, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, WCR पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्योंकि कोई क्लेम नहीं है। तो इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में तो मेरे लिए WCR बेकार का हो गया, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बन नहीं रहा, इसलिए मैंने काटा मार दिया, आप लोगों ने नहीं मारना। सत्या करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बन ही नहीं रहा, कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, ये इसलिए काटे मार दिए क्योंकि मेरा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, खाली रियलाइजेशन है। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज आई है क्रेडिटर्स, तो इसकी एरो ऐसे बनेगी, तो बाय वाली साइड पे कर दो, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, वैल्यू बोल दो एक बार 45,000। अब आप लोगों ने नहीं करना, जिसने वैसे करना है वो कर लेना। अगर मुझे अब इसकी मैंने क्या किया है, लाइबिलिटीज ट्रांसफर की है कहां से कहां, अगर मेरे को इसकी जर्नल एंट्री करनी हो करवा सकते हो क्रेडिटर की, गुराक्ष इधर, अगर ये वाली क्रेडिटर की मेरे को जर्नल एंट्री पास करनी हो तो क्या एंट्री बनेगी? आप ठीक बोल रहे हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। मैंने अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट में नहीं डाली ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाली है ना, तो यहां पे वैल्यू आएगी ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर। सही मायने में तो मेरे को ये वाले क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के साथ करवाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम कम है इसलिए पहले मैं अकाउंट पे फोकस कर रहा हूँ। समझ में आ गया? जब आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर की है तो जर्नल एंट्री में भी तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब खाली करवाओ मुझे एसेट्स। सबसे पहले ना मैं बेकार वाली चीजें कट कर रहा हूं। देखो बैंक को ट्रांसफर नहीं किया जाता, बैंक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, तो मेरे लिए बैंक काम की चीज नहीं है। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, ये 4 चीजों को मैंने ट्रांसफर करना है, क्योंकि बैंक के लिए बैंक अकाउंट है, करंट के लिए करंट अकाउंट है, तो मुझे ये 4 चीजों को यहाँ पे ट्रांसफर करना है डेबिट वाली साइड पे। बोलो क्या क्या है? 2 टू डेटर्स, स्टॉक, साठ हजार, 85,000,
देखना बैलेंस शीट हो गई खाली। अब बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी ट्रांसफर की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीन, ठीक है। तो ये ट्रांसफर वाली एंट्रीज हो गई। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर वन, शांति टुक ओवर द, ये हमने जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कर चुके हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट सब आने वाली है ना, इसकी एक एक जर्नल एंट्री हम सारी कर चुके हैं पिछले तीन दिनों में। पिछले तीन दिनों में जो हमने जर्नल एंट्रीज की थी ना, वो एक्चुअल में क्या थी? एडजस्टमेंट थी। ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं, अब लेजर में डालना सीख रहे हैं हम कैसे पुट ऑन करने। शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक हमने बेच दिया 40,000 का। अब हम बात करते हैं, इधर देखो स्टॉक कितने का था टोटल मेरे पास? किसी ने वर्किंग नोट बनाना है तो बना लेना। स्टॉक मेरे पास था 85,000 का। शांति देखो कितना स्टॉक लेके गई, 40%। तो बाकी कितना बच गया? 60%। ये आपको पता है 100 में से 40 गए 60 होते हैं। हाँ फिर ठीक है। तो 85,000 का 40% बोलो कितना होता है? 34,000। अगर ये 34,000 है तो ये कितना बच गया? 85 में से 34 माइनस कर दो, 51,000। सबसे पहले आपको ये पार्टीशन करनी आ गई। 85,000 का टोटल था, उसका 40% होता है 34,000। तो 85 में से 34,000 माइनस कर दो, या समझने वाले बच्चे ये भी समझ सकते हैं 85,000 का 60% लगा लो, वो आ गया इतना। अब ये वाला स्टॉक शांति टुक ओवर करके जा रही है 10% लेस देन वैल्यू पे, तो माइनस कर दो 10% होता है 3400। तो जो शांति टुक ओवर करके जा रही है वो बन रहा है 34 में से 4 गए 30,600, और बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक है वो आपने सेल कर दिया 40,000 का, ये कर दिया आपने सेल। अब मेरे को इन दोनों की जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्रीज में मैं कर चुका हूं ये वाला टॉपिक, अगर आपको याद हो इस वाले छोटे बोर्ड पे करवाई थी मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहां पे एंट्री बनेगी शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि यहां पे पार्टी लेके जा रही है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो ये आ जाएगी 30,600। तो ये एंट्री कहां कहां पे आएगी? शांति के डेबिट में आएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और जो स्टॉक बेचा है, बेचने से पैसा आएगा, तो शांति की जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू में तो वही का वही आएगा रियलाइजेशन। वहां पे शांति टू रियलाइजेशन बना, यहां बैंक टू रियलाइजेशन बना। 40,000 40,000। एक बार के लिए मीनिंग अगर समझ आ गया ना, फिर ट्रीटमेंट जल्दी सबसे पहले। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के बाय वाली तरफ आ जाएगा बाय शांति, और यहां पे आ जाएगा बाय बैंक। इधर देखो ये रियलाइजेशन के बाय वाली साइड बाय शांति कैपिटल, ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा स्टॉक। शांति लेके गई 600 की, और बाकी जो बेचा है उसकी एंट्री क्या बनी थी? बेचने की बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक। हाँ इस चैप्टर में सभी के साथ में लिखना पड़ता है। एक कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, एक बैंक के डेबिट में चला जाएगा। अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे होते तो शांति कैपिटल के डेबिट में चला जाता, और जो आपने ये बैंक अकाउंट डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट साइड पे चला जाता 40,000। हमेशा ऐसे ही तो होती है जर्नल एंट्री, किसी के डेबिट में जाएगा किसी के क्रेडिट में। पहली एंट्री खत्म हो गई, लिख लो एक बार अगर किसी की रह गई है तो। एंट्री नंबर टू नहीं, वन के साथ एक और भी लिखा हुआ है, फर्नीचर रियलाइज 80,000। पैसा मिला होगा ना, रियलाइज का मतलब क्या होता है? सेल करना। जर्नल एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा बाय बैंक। बाय बैंक ब्रैकेट में फर्नीचर कितने का? 80,000। अब देखो मैं आपको एक काम की चीज बताता हूं मजेदार। जब मेरा फर्नीचर या स्टॉक, इधर देखना सामने,
मेरा स्टॉक ट्रांसफर कहां पे हुआ था? डेबिट में। ऑब्वियस है, जब दुकान से जाएगा, चाहे वो पार्टनर टेक ओवर करे चाहे हम बेच दें, तो जाएगा तो उसके अपोजिट साइड ना। देखो आया था यहां पे, कहां से आया था? बैलेंस शीट से उतर के यहां पे आया था ना। तो जो चीज जहां पे आ रही होती है जाएगी तो उसके अपोजिट साइड से। ऐसे ही फर्नीचर आया था यहां पे, जब बेचेंगे तो यहां से, चाहे हम बेचें चाहे पार्टनर टेक ओवर करके जाए, आएगा उसके अपोजिट साइड ही। जब बेचेंगे नाम आ जाएगा बैंक, जब पार्टनर लेके जाएगा उसका नाम आ जाएगा। तीसरी एंट्री बोलो, तीसरी नहीं, अब सेकंड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर से रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। तो बुक वाले पता है क्या करते हैं, इधर देखो अब एक चीज, एक ही बार बाय बैंक लिख के ना यहां पे लिखते रहते हैं। जैसे यहां पे फर्नीचर लिख दिया, अब लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, ये हेडिंग बन गई, ठीक है। फिर उसका टोटल कर लेते हैं, दोनों अलाउड हैं, जो आपको इजी लगता है यू कैन चूज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की थी? 20,000 की। अच्छा, साथ में मशीनरी वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। मशीन यार 60,000 लिखा हुआ है। अच्छा ये भी पढ़ना होता है हमने, बाकी जनता ने नहीं पढ़ा, पढ़ो मशीन वाला। मशीन में लिखा हुआ है उसने लॉस पे बेचा है, तो कितने की मशीन थी हमारे पास? 60 का लॉस हो गया, तो बिकी कितने की? 70 की। तो मतलब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है इतने की बिकी, ये भी आ सकता है इतने घाटे पे बिकी। आपको तो ये देखना पैसा कितना मिल रहा है, कितना पैसा मिलेगा, 130 में से 60 गए 70, तो मशीन में 70,000। ठीक है जी, अगला पॉइंट देख लो। डेटर रियलाइज, फिर से वही है, डेटर रियलाइज मतलब डेटर ने पैसे दिए, तो यहां पे लिखो डेटर्स, डेटर ने पैसे दिए 55,000। मेरे को बताना डेटर से हमें फायदा हुआ है या लॉस हुआ है? हमेशा लॉस होगा, कभी भी डेटर ज्यादा पैसे थोड़ी देगा, या तो पूरे देगा या कम देगा। अगला पॉइंट, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 पेड। अब मैंने रिपेयर का बिल पे किया, एंट्री बनाना जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे हाँ रिपेयर बिल लगा लो, आउटस्टैंडिंग बिल लगा लो, रिपेयर बिल या आउटस्टैंडिंग बिल। कितने पैसे पे किए? यहां तक तो है आम जिंदगी, अब सिखाता हूं एक मजे की जिंदगी। प्रॉफिट लॉस बाद में। इस क्वेश्चन में ना एक खासियत या याद रखने वाली चीज है कि सारी लाइबिलिटीज को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन में जितनी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी ना आपको क्रेडिट साइड पे दिखेंगी, क्या मैंने लाइबिलिटी की पेमेंट की है? अगर नहीं की तो आपको अपने आप करना पड़ेगा, क्यों? सामने वाला आपके पैसे माफ नहीं करेगा, वो बार बार याद दिलाएगा, घर के बाहर आ जाएगा। अगर किसी एसेट्स के बारे में कुछ ना लिखा हो तो भूल जाओ, ये सोच लो ये कभी नहीं बिकेगी, ये गई भगवान के हवाले, कुछ नहीं है। अब सुन लो, दोबारा से बता रहा हूं यार एक केस, अगर इस क्वेश्चन में हमारे इस चैप्टर में लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो सारी एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट खाली करने के बाद आपको लाइबिलिटी देखनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी क्या है? 45,000, हमने 5 एडजस्टमेंट किया, कहीं पे क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं। याद रखना मेरा डायलॉग, कोई भी आपके पैसे माफ नहीं करेगा, ना ट्यूशन टीचर, ना स्कूल टीचर, ना दूध वाला, ना पढ़ाई वाला, ना कोई भी, सारे आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। ये वो केस है, तो इसको दिल से फील करना है। यहां पे मैं आपको आज बता रहा हूं, कल ही क्वेश्चन कराऊंगा, कल ही आप इस क्वेश्चन की फिर से गलती करोगे। आप कहोगे ओहो सर क्रेडिटर के बारे में दिया नहीं होता, हमने पे नहीं किया, अपने आप पे करना पड़ेगा। जबकि एसेट्स के बारे में, अब जैसे इस क्वेश्चन में कोई अगर एसेट होती, अगर वो नहीं बिकी या उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो एसेट्स को भूल जाना है, ये सोच के कि ये बिक ही नहीं सकती मार्केट में, पुरानी हो गई। एक बार फिर से, लाइबिलिटी का क्या करना पड़ेगा? पे करनी पड़ेगी अपने आप। एसेट्स का क्या करना पड़ेगा? वेस्ट है, लॉस हो गया, ठीक है। तो अब क्रेडिटर की पेमेंट कर दो, क्रेडिटर अब क्रेडिट साइड है, पेमेंट करने के लिए अपोजिट साइड, रियलाइजेशन टू बैंक, तो टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 45,000। सर क्वेश्चन में हम कुछ डिस्काउंट काट सकते हैं क्रेडिटर का? अपनी मर्जी से मत कोई डिस्काउंट काटना, अगर स्कूल टीचर ने आपके डिस्काउंट के मार्क्स काट लिए ना बस। क्या अभी तो समझाया है 3 बार,
एसेट्स को भूल जाना है, एसेट्स का कुछ नहीं करना। अब सेम आंसर वैसे ही है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस। एसेट को बिकवाए, देख लूंगा मैं, बिकवाई है, चलो मैं देख लूंगा, वैसे है नहीं पिछले साल तक, हो सकता है इस बार नया पॉइंट आ गया हो, ये पिछले 2-3 सालों से बवाल मच रहा है वैसे, इस बार मैं देख लूंगा। किसी के पास अगर न्यू बुक है तो छोड़ते जाना आज के दिन के लिए। करो जी टोटल करके दिखाओ मेरे को, मेरे हिसाब से डेबिट साइड का ज्यादा आएगा यार टोटल, हाँ डेबिट का, क्योंकि फर्नीचर है, मशीन है। गुराक्ष हुए यार टोटल कितना, 4,39,000। चलो जी अभी के लिए मैं इसको सच मानता हूँ, 4,30,000 -45,000 -30,600 -40 और 60, 1,40,210 और 55 कितने होते हैं 2,65, -2,65,000 98,400। लो जी पहली बार में आंसर हमारा आ चुका है, बिल्कुल ठीक था ये, 4,39,000 बिल्कुल करेक्ट था। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन आंसर आ गया फर्स्ट गो में 94,800। अब इसको बांट दो 2:1 में, टू रेशो वन थोड़ी ना थी, है ना, वो तो पिछले क्वेश्चन में थी WCR में, रेशियो बोलना 4:1 है तो इनटू 4/5 कितना आ रहा है, ये मैंने गलत लिख दिया, 98,400 था, 98,400 है, मैंने 4 और 8 को रिवर्स लिख दिया था, ये आंसर आ रहा है 7,8,720 और दूसरा आ रहा है 19,680, ये आंसर आ रहा है। हाँ जी बस,